वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि दुनिया के सभी जवान हम आम इंसानों के मुकाबले बहुत ही ताकतवर और मजबूत होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि दुनिया की सबसे बेस्ट फौज कौन सी है, तो वैसे में हमारे दिमाग में अमेरिका और रशिया जैसे देशों का ख्याल आता है। अब अगर आप भी यही सोचते हो कि इन्हीं देशों के फौजी दुनिया के बेस्ट फौजी माने जाते हैं, तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि दुनिया के सबसे जाबाज और खतरनाक सिपाही हमारे पड़ोसी देश नेपाल के गुरखा माने जाते हैं। इन जवानों के बारे में यह कहा जाता है कि इन्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ये हर समय अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए हर समय तैयार होते हैं। सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग एस्पिरेंट पर। सो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे जाबाज और खतरनाक यानी कि गुरखा के इतिहास के बारे में जानेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। ये बात है 19वीं सदी की, जब नेपाल को किंगडम ऑफ गोरखा कहा जाता था, जो धीरे धीरे अपना फैलाव तिब्बत और भारत के अंदर कर रहा था। और उसी समय ब्रिटिश सरकार एक ऐसे मौके की तलाश में थी जिससे कि तिब्बत में भी उनका व्यापार शुरू हो जाए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कई बार गोरखा साम्राज्य के राजा के सामने सिफारिश पेश की कि उन्हें तिब्बत में व्यापार करने दिया जाए, क्योंकि गोरखा साम्राज्य भारत और तिब्बत के बीच में मौजूद था, यानी कि ब्रिटिश सरकार को तिब्बत पहुंचने के लिए हर हाल में गोरखा साम्राज्य को पार करना था। लेकिन गोरखा के राजा ने ब्रिटिश सरकार की सिफारिश को कबूल नहीं किया। अंग्रेजों ने कई बार राजा के सामने सिफारिश भेजी, लेकिन वो हर बार इनकार करते रहे। राजा का इस तरह बार बार मना करने की वजह से गोरखा और ब्रिटिश इंडियन सिपाहियों के बीच में बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में दोनों सेनाओं के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ गई। इस जंग में पहली बार दुनिया ने गोरखा सिपाहियों की ताकत और दृढ़ता को देखा था। ब्रिटिश आर्मी उस समय की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती थी। उनके पास उस टाइम की सभी लेटेस्ट हथियार थे। वही दूसरी ओर गोरखा आर्मी अंग्रेज के सिपाही के सामने एक बहुत ही छोटी फौज थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस छोटी सी फौज ने अंग्रेजों के पसीने निकाल दिए थे। ये जंग भले ही अंग्रेजों ने जीत ली थी, लेकिन इस जंग के दौरान अंग्रेजों ने अपने बहुत से सिपाहियों को खोया था। गोरखा सिपाहियों की बहादुरी को देखकर ब्रिटिश आर्मी के कमांडर उनके फैन हो गए थे। इस वॉर के खत्म होने के बाद अंग्रेज और गोरखा सेनाओं के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी, क्योंकि अंग्रेज गोरखा सिपाहियों की स्किल देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। इसलिए वो इन जाबाज सिपाहियों को अपनी मिलिट्री में शामिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उस पीस ट्रीटी में साफ साफ लिखा था कि इस समझौते के बाद ब्रिटेन को अपने मिलिट्री में गोरखा सिपाहियों की भर्ती करने का हक होगा। राजा को ना चाहते हुए भी अंग्रेजों की ये शर्त माननी पड़ी थी। और इस तरह समझौते के बाद ब्रिटिश मिलिट्री और गोरखा सिपाहियों के बीच 200 साल तक चलने वाली एक लंबी पार्टनरशिप शुरू हो गई। और तब से लेके आज तक 2000 से भी ज्यादा गोरखा सिपाही अंग्रेजों के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो चुके हैं। आज की अगर बात करें तो ये अभी गोरखा सिपाही ब्रिटिश मिलिट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। अंग्रेजों के साथ साथ ये गोरखा सिपाही हमारे इंडियन मिलिट्री में भी मौजूद है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय हमारी भारतीय सेना में लगभग 32,000 से भी ज्यादा गोरखा सिपाही मौजूद है। तो ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी दुनिया के सबसे ताकतवर और जाबाज यानी कि गोरखा सेना के इतिहास के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा बटालियन है।